हाँ जी बाबे सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? होपफुली तुरे सारे तुसी सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हाँ। तैयारियां साड़ियां इंडिया आने दियां, ते मैं एक व्लॉग बहुत जरूरी सीगा पाउणा, जिहड़ा मैं सोचा भी जे मैं हुण ना पाया जो इंडिया तो मुड़ के आना उदो पाऊंगा, उदो मतलब कोई नहीं हैगा। सो वो व्लॉग हैगा जी भी तुहानू दसणा भी कस्टमाइजेशन जिहड़ी हैगी है ट्रक दी, भी उह किन्ने दी होई उह नहीं मैं दसूंगा क्योंकि मैं गाला बहुत पैनी है घरों इस करके आप थोड़ा जहा जिन्ने के पार्ट्स है वह मैं तुम्हें दस दिना। पार्ट्स आए थे मेरे कोई $22,000 पे, ठीक है जी। तो उस तो बाद थोड़ी जी लाइटा जी है ऑटो तो लवाइया, वो तो CCTV कैमरे तो स्टेयरिंग व्हील वगैरह ना, स्टेयरिंग व्हील चलो हाले अपना पिया नहीं है, तो वह चीज़ा बाद एक्सट्रा आईया सी। सो जो इनिशियल समान से जो कस्टमाइजेशन करनी सी जो ऑर्डर किया है इंडिया तो आके मैं वह $21,000 का समान सगा, तो उस तो बाद गल आ जाती हैगी भी हूँ मैं तुम्हें दसना भी कस्टमाइजेशन जी हैगीता की आपने ट्रक में है ना। तो मैं तुम्हें कल डिटेल दिना, ठीक है जी। उस तो बाद एसटीमेट जोड़ा है तुम खुद कमेंटा से दस्यो मैनू भी किन्ने लगे हो मेरे पैसे, ठीक है जी। तो नाले चलो आप पता लग जू भी हाँ भी मतलब कि चलो ये वैसे तो कोई सही नंबर गलत नंबर का फै मैटर नहीं है, बट जिदा कह लो भी की कह सकते हैं एक होंगे ना बंदे पता लग जाता भी हाँ भी चलो जिन्ने क लाए हैं उन्ने क मतलब कि दिसते भी है कि नहीं दिसते है ना, तो ये चीज़ है। सो अपना मैं अच्छ तुम हम शुरू तो शुरू निकी निकी चीज़ की तुम डिटेल दिना है, ठीक है जी। तो उस तो बाद तुसी दा लो साहब मैं लगता मैं भी अज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो पर मतलब के यार दस ही दिना चलो मैं तुम। सो मेरा जी हूँ तक का ट्रक के उत्ते कोई जे इंडिया के हिसाब से दसा यार मैं डर भी लगता भी मेरे घर दे आ वीडियो ना देखन, ठीक है जी। तो इतों कोई इन्ना पार्ट तुम ना स्किप कर दो, दो मिनट का पार्ट गाह दे लो। सो पहला तो मैं तुम्हें यह दसा भी जी कस्टमाइजेशन हैगी हल तो डन नहीं हैगी, ठीक है जी। बारों बार भी हले कुछ क चीज़ा रहनियाँ, पहले नंबर तो स्टैप रेंदे आ, दूजे नंबर पर डैक प्लेटिंग रही आ, होर तो कुछ नहीं करना बाबे बारों आई दो चीज़ा रह। हाँ सच वो चलो बाद दी गल्लां ने अगले साल के एंड दी मैं भी जो अपना ट्राला आजगा अपना लो बॉय जो आऊगा उदों दी गल्लां ने, मतलब कि इतने अपन ने चौथा एक्सल भी लाना पुशर एक्सल लाना आ, वो भी कोई $10,000-15,000 का खर्चा है वो भी है ना। सो वो तो चलो काम लिया बट उन्हें भी डुस तो बनती है ट्रक की। सो हूँ तक मेरा जी लग चुका कोई ट्रक के उत्ते $70,000 $70,000 जोड़ा है जी, हूँ आप करिए 80 ना गुणा तो 7,856 है इन्ने होंगे 56,56 लाख रुपया। सो 56 लाख की कस्टमाइजेशन हो चुकी है। उस तो बाद जरा इंटीरियर करना है, ठीक है जी, पुशर एक्सल लाना, डैक प्लेटिंग लानी है, तो अपने स्टैप्स लाने है ना, मतलब इंटीरियर भी जोड़ा सारा डन करना है, डैशबोर्ड वगैरह लटरम पटरम है ना, क्योंकि मेरा विचार ये भी है इनू 379 स्टाइल डैशबोर्ड लाना है, टॉगल स्विच वाला है ना, तो जोड़ा है डिजिटल डैश है ये भी डिलीट कर देना, यदा भी चंगा तगड़ा खर्चा मोटा खर्चा यदा, क्योंकि जी गेजा ही पुरानी $2,500 की तो एक गेज है मेरे हिसाब ना, तो सोच जोड़े टॉगल स्विच वो भी महंगे आते हैं ना जी। सो उस तो बाद सारा जरा कंप्यूटराइज किया पाया है डैश अपना, वनू मैनुअल करना, वायरिंग करनी, हारनेस वगैरह सारा कुछ पाना ना। तो मैं सुनया एक बंदा हैगा फीनिक्स टिकट जोड़ा वह कहते कर देता है, बट हाले मैं पक्का नहीं पता भी वह किन्ने पैसे लेंदा, पर मैं इन्ना दसया गया भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो जायज भी है ना। सो वो भी हो गया, उस तो बाद पेंट वगैरह अंदर करा फ्लोरिंग करा है ना जी। तो ला लो साहब भी मेरा कोई पुशर एक्सल डैशबोर्ड इंटीरियर फ्लोरिंग, ठीक है जी। तो उस तो बाद ओवरसाइज लोटा वाली लाइटिंग वगैरह, तो मुड़ के जो फिर ट्रेलर का भी कम करना है फ्लैट बैड का हाले थोड़ा जहाँ इंडिया तो करूँगा,
ਮਲੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਬਾਊਟ $50,000 ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗਰਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲਿੰਗ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ $40,000-$50,000 ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੇਂਜ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ $90,000 ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਲ ਤਾਈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਉੱਦਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਬ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਆ ਹਾਲੇ CB ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹ 'ਚ CB ਰੇਡੀਓ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਹ ਡਾਈਸ ਜਿਹਾ ਟੰਗੇ ਆ CCTV ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਫਟਰ ਲਾਇਆ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਅਤੇ T-bar ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸੇ ਨਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 7 ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਨਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲੈਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੇਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀਲ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 4 ਕੇੜੇ ਲਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਟਰੱਕ ਮੇਰਾ 28,000 ਮੀਲ ਚੱਲਿਆ 4 ਕੇੜੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਨਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਪਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੈਲੀਆਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 3 ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਏ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਹ 7 ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹ 7 ਬਾਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਥ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਆ ਕੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਟੋ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੈਨਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਂਟਰ ਫਲੇਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਆ ਇਹ ਵੀ
आज भी पेंट की आपने ना बढ़िया तरीके ना सारा कुछ खोल के सारी पट के फिर पेंट हुई हैगी है। उस तो बाद आपने इनू बंपर लाया, ठीक है जी। बंपर के नाल लई है लिफ्ट किट जी जरा शाकर जहा लगे ना, हाँ हाँ ये लिफ्ट किट है बाबे, ठीक है जी। लिफ्ट किट भी ला दी आपने। उस तो बाद आप जरा शैडो वाले स्टिकर ये तुम पता ही है लोगो जो शैडो वाला लाया ये भी लाता। फिर जी आ जी प्लेटा आ लाइटा वाली ये पहला अलूमिनियम दियाँ ये पेंट करके उत्ते लाइटा ऐड कीतियाँ। आ जिहड़े केक टाप कहिंदे इहनां नूं, आ जिहड़ी चीज़ है ना इहनूं केक टाप कहिंदे। जे किसी ने ऑर्डर करना ना उहनां नूं तुसीं कह सकदे हो भी ओल्ड स्कूल ब्रीदर विद केक टाप है ना, ये जिहड़ा ये आपां ने पेंट कीते आ। ते आपां फिर आ गए जी लिंकन क्रोम वालिआं दे 8 इंची डमी स्टैक्स आ गए। ये लिंकन क्रोम दे है जी 8 इंची डमी स्टैक्स है। ते ये जिहड़े हैगे आ इहनां दी हाइट 13 फुट 9 इंच है। ओके होर की मिस कर रहे हैं आ मगर भी अपने पेंट करके तो जी लाइटा वाली प्लेट है लाइटा लाइया पेंट करके लाइया मगर भी। तो उस तो बाद गल करिए टैंक आप ड्राप करके तो टैंकों पेंट किया गया पूरा जोड़ा लैजेंडरी ब्लैक अपना जोड़ा पेंट है ना ये लैजेंडरी ब्लैक आ जो मैं तुम दिखावा हूँ इतने स्पार्कल जो होने इस आ स्पार्कल जो है ना इस भी है आ थले आ गए पैनल आ गए पैनलों के भी है स्पार्कल आधर टैंक आ गए, ठीक है। टैंकों के भी स्पार्कल जो है शाइन देखो टैंक नहीं बूट पेंट पाई दी है ना। सो ये जड़ा भी अपने रंग जोड़ा लैजेंडरी ब्लैक ही किया पाया। तो आ जड़ा डैफ टैंक कवर यू भी आप ब्लैक पेंट कर लिया है ना। उस तो बाद जी मगर आ गए आप फेंडर से आ जोड़े फेंडर आ ये है बैडएस कस्टम्स वाले के जिदा ओरेंज के जो फेंडर है ना ओरेंज पाए उन्होंने नट लगते बाहरले पास इतों नट लगते उन्होंने बहरों आ ना उत्ते PPF लाई है मैं आप ही लाती है माड़ी जी बट्टिया बुटिया बजट तो प्रोफेसनली इंडिया तो मुड़ के आके मैं लाऊंगा। तो वो जोड़े थे ना ओरेंज उन्होंने मूहरे नट लगते बहरों इतों स्क्रू कस होंगे अंदर है ना पर यदा जो जगाड़मेंट है ना यदा अंदर ही इन्हें ढिड जहा बनाया पाया देखो ढिड जहा बनाया वो थले ब्रैकटा ने ब्रैकटा वो उत्ते रख के इन्होंने थले किसी तरह इन्होंने ना कह लो भी माउंट किया जिदा ये वह ने की कहते होंगे इनू आप कह सकते हैं कि माउंट कहते होंगे ब्लाइंड माउंट फेंडर ने, ठीक है जी। उस तो बाद आप आ जाइए मगर टी वार से आ टी वार जड़ा आ भी तुम देखे ही भी बैडएस कस्टम्स वाले का टी वार आ। सो आ कुछ बज गया इतने ना आना कोई चीज़ बजी मैं लगता रोड से कोई चीज़ डिगी सी इतने भी बजी इतने भी जिदा ये झेटा जी जी पा वो हिसाब से पता लगता मोहरे कोई चीज़ मतलब स्पीड से जनाल की गड्डी गुड्डी निकल के लगी आ के जो कुछ भी आ इतने बजी इतने नहीं बजी इतने बजी तो उतने बजी है ना। सो काफ़ी स्पीड से बजी लगती माड़ी मोटी हल्की मोटी चीज़ सी इन्हें चक्कर पाया। तो आ फेंडर आ गए जी अपने ये भी ब्लाइंड माउंट फेंडर ने ते आ मगर लाइया लाइटा आपने उदो तुम पता ही है जो ऐड कीतिया सी लाइटा ये हैगिया कि 8, 5, 13 लाइटा ने 26 लाइटा मगर आ है ना जी। तो इधर इनू टी वार नू मगर लाइटा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टी वार नू 11 लाइटा जी। ओके हो गई जी हुण डैक प्लेटिंग रह गई इहदी यार पैसे चंगे लगते डैक प्लेट आ जिहड़ियां ब्रैकटा हुण इहदियां देखो जिहड़ियां ब्रैकटा ने इहदियां बहुत हैवी ड्यूटी ब्रैकटा ने परले पासे नू भी जांदियां 1 पीस आ ब्रैकटा मोहरे भी इहदे पूरियां हैवी ड्यूटी ब्रैकटा ने इहदियां कह लो भी आ जे हुण तुहानूं मैं दिखावां टी वार वाली ब्रैकट भी पूरी पूरी जांदी आ एक साइड तो दूजी साइड तो टी वार वाली ब्रैकट भी है ना जी ये चीज़ आ। उस तो बाद मोहरे एयर राइड तो अपने हैगी सी आपने मोहरे एयर राइड नूं डंप लवाते डंप वाल्व लवाते उन्हें की आ
अपनी जिहड़े हुण जिद्दां मैं इस वेले डंप करके खड़ा कीता ट्रक, सो डंप कर सकते आपां इहनूं हां। एक मिंट ठंड लग गई मैनूं उहदे करके ना, हवा कल उत्थे डैलस लग गई सी ठंडी हवा मैनूं उहदे करके छिक्का छुक्का जिहा आउण लग पईआ। सो जिहड़ा वाइजर आ अपना तुहानूं पता आ, वाइजर भी आपां पेंट करके लाया सी उहदा, RLK कंपनी का वाइजर आ। तो कुल मिला के बाबे आ खड़ा जी तुहाडे मोहरे शैडो, हुण तुसीं आप ही देख लो भी गलबात है कि नहीं ट्रक की। ठीक है जी, मैं सोचा जी चंगा वड्डा ब्लॉग बनूंगा, ये तो झट ही मुक गया जा, मैं तो ज़्यादा डिटेल च नहीं मिल दी है। हाँ अच्छा, हाँ जिहड़ा बंपर है ये हैगा लिंकर क्रोम वाले दे बंपर है भी। ठीक है जी, तो लिफ्ट किट मैं पता नहीं कि कंपनी की है, ये समान ऑर्डर किया आपने क्रोम कंट्री नैशविल टेनेसी तो बहने बंदे ना उतो ऑर्डर किया, मुड़ के जोड़ा है इंस्टॉल किया है जस्टिन ने तो टीम ने इंस्टॉल किया है डेनवर तो। आ भी हम देख लो भी इत भी स्पार्कल जे इत भी है, अरे मतलब कली कली चीज़ जी स्पार्कल है, लेजेंडरी ब्लैक कलर किया पाया, लेजेंडरी ब्लैक जो रंग है ना बहुत महंगा रंग है, लेजेंडरी जिन्हें भी कलर आ काफ़ी महंगे ने, उहदे करके ना गुडमैन की लास्ट प्रोग्राम होया हुण। आ देखो ये आ रहे ये भी आ चमक रहे हैं पूरे चमकन डे, देखो है ना तारे जे ग्लास फ्लेक्स है ये पेंट के ना कच के फ्लेक्स होंगे आ, जिते जिते सूरज पैन दिया जिते जिते कच का फ्लेक आ उत्थे उत्थे चमका मान दिया जिदा कह लो है ना। चलिए फिर बाबे मैं कहना बहुत हो गया बड़ा लंबा ब्लॉग, यदा कोई लाने चकमा जहाँ सामने लाना फिर बनू गल, इदा नहीं बनती। आ है व्यू अपना, ये तो मैं ड्रोन शॉट्स ले आ वो भी ऐड करूँगा मैं। चलो फिर, चलो फिर मित्रों हम इदा करिए आप, मैं ना इतने ट्रक के मोहरे खड़के वधिया जी फोटो खिंच लें फिर सामने तो लावे वो नहीं। यस गुड मैन लाटन उधरों खिंचता माड़ा लोड़ दिल से मगरों।